100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। कोरोना संकट के दौर में अमेरिका और चीन के बीच तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब सियासत के गलियारों से निकलकर मामला अदालत में पहुंच गया है। जी हां, अमेरिकी अदालत में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में चीन पर कोरोना वायरस की जानकारी छिपाने और कोरोना वायरस की जानकारी रखने वालों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। यह याचिका अमेरिका की मिसौरी अदालत में दायर की गई है। अटॉर्नी जनरल एरिक की ओर से दायर की गई याचिका में चीनी सरकार और अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि चीन को 2019 से ही कोरोना वायरस के बारे में जानकारी थी, लेकिन चीन ने जानबूझकर इसकी जानकारी छिपाई। साथ ही साथ याचिका में इसकी जानकारी देने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, अमेरिका में कोरोना संकट के चलते 45,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 8 लाख से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।